मस्ट की चर्चा की कॉन्टिन्यूटी में पिछले तीन कॉन्टेक्स्ट को जानने के बाद अब आगे के कॉन्टेक्स्ट में हम प्रवेश करने जा रहे हैं और मस्ट को हम अगले कुछ कॉन्टेक्स्ट में और भी देखने जा रहे हैं कि इसका प्रयोग कैसे हम करते हैं। जैसे देखिए यहाँ है हमारा फोर्थ कॉन्टेक्स्ट, वो कॉन्टेक्स्ट है टू एक्सप्रेस परमानेंट रूलिंग और प्रोहिबिशन। अब इसमें देखिए यहां है एग्जाम्पल से क्लियर होगा कि वी मस्ट फॉलो द ग्रामेटिकल रूल्स। सपोज इफ यू आर राइटिंग समथिंग और यू आर स्पीकिंग समथिंग बट यू आर नॉट फॉलोइंग द रूल्स ऑफ ग्रामर, देन डेफिनेटली वायोलेशंस ऑफ द रूल्स ऑफ ग्रामर आर गोइंग टू कॉज मेनी मिस्टेक्स इन योर स्पीच और राइटिंग। इट मीन्स इट इज ए मस्ट to follow the grammatical rules for every writer or for every speaker. That's why must has been used here, ki we must follow the grammatical rules. Next example mein hai ki you must follow the traffic rules. Ab traffic rules ka mamla ye hai ki there are rules of moving on the road. And if you are violating the traffic rules, accident will be must. So for avoiding the accident, we must follow the traffic rules. That's a compulsion. So here also we say that must has been properly and rightly used. You must follow the traffic rules. The third example is you must move in the right side of the road. राइट साइड ऑफ द रोड में हमारा मूवमेंट आवश्यक है, क्योंकि रॉन्ग साइड में जब हम मूव करेंगे तो खतरे होंगे हमारे सामने, हम उसके शिकार भी हो सकते हैं। इसलिए यहाँ कोई स्पेयर नहीं है, कोई रिलैक्सेशन नहीं है, यहाँ मस्टनेस अनिवार्यता है स्थिति की और उसका डिमांड है कि हम इस स्थिति को बयान करने के लिए मस्ट का प्रयोग करें, जो हमने किया है कि यू मस्ट मूव इन द राइट साइड ऑफ द रोड। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि टू एक्सप्रेस परमानेंट रूलिंग में हम मस्ट का प्रयोग कैसे करते हैं। अब यहां फिफ्थ कॉन्टेक्स्ट हमारे सामने आ रहा है, टू एक्सप्रेस सेंस ऑफ ड्यूटी। अब सेंस ऑफ ड्यूटी को भी व्यक्त करने के लिए हम मस्ट की मदद ले सकते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल से ज्यादा स्पष्ट होगा, उसको देखिए, वी मस्ट ओबे आवर एल्डर्स। कोई गुंजाइश नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, एल्डर्स को रेस्पेक्ट दिए बिना, उनको ओबे किए बिना हमारे सामने कोई विकल्प नहीं है। इसलिए हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, मस्ट। ये सेंस ऑफ ड्यूटी को व्यक्त करता है। एंड यू मस्ट रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, देयर इज नो अल्टरनेटिव। योर पेरेंट्स आर टू बी रिस्पेक्टेड बाय यू इन ऑल द सिचुएशंस, दैट्स व्हाई हियर मस्ट हैज बीन यूज्ड। यू मस्ट रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। देन वी मस्ट सर्व द सोसाइटी। यहां देखिए, बिकॉज वी गेट मेनी थिंग्स फ्रॉम सोसाइटी एवरी डे, इफ सोसाइटी इज नॉट विथ अस वी कैनॉट एग्जिस्ट। सो रेसिप्रोकल जो हमारा बिहेवियर है वो ये होगा कि वी मस्ट सर्व द सोसाइटी। जब वो हमें सर्व करता है तो हमें भी उसको सर्व करना है। तो वैसी स्थिति में हमने क्या देखा कि सेंस ऑफ ड्यूटी को भी मस्ट बखूबी व्यक्त कर रहा है, और तीनों एग्जाम्पल में हमने इस बात को स्पष्ट करने की कोशिश की है। अब इसके बाद टू एक्सप्रेस ए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। अब यहां देखिए, पॉसिबिलिटी भी ऑर्डिनरी पॉसिबिलिटी नहीं, ऐसी पॉसिबिलिटी जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग लिए हुए है, ऐसी पॉसिबिलिटी को व्यक्त करना हो तो वहां भी हम मस्ट की मदद ले सकते हैं, और वहां मस्ट ही रेलिवेंट मॉडल होगा। इसलिए हम यहां देखें एग्जांपल्स में कि देयर मस्ट बी ए लाइब्रेरी इन दिस एरिया। मान लीजिए कि हम कहीं गए हैं और वहां पहले भी गए थे,
तो मुझे पूरा याद है कि वहाँ एक लाइब्रेरी थी उस एरिया में, बट आई एम नॉट फाइंडिंग दैट लाइब्रेरी. तो मैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट पास्ट मेमोरी हम कह रहे हैं कि देर मस्ट बी ए लाइब्रेरी इन दिस एरिया. फिर दूसरा एग्जाम्पल है कि देर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग. मान लीजिए कि कोई हम चीज सोल्व कर रहे हैं, सपोज करिए मैथमेटिक्स का कोई प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं और वी आर नॉट आई एम नॉट इन ए पोजिशन टू सोल्व दैट, कहीं कोई कैलकुलेटिव मिस्टेक हो रहा है, तो वहाँ हम अंदाज से इस बात को पक्की तरह कह रहे हैं कि देर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग, कहीं कोई गलती हो रही है इसलिए सोल्व नहीं हो रहा है ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम. उसी तरह से यहाँ देखिए, यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ महात्मा गांधी. स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो नहीं सकता कि अब कोई भारत में हो और महात्मा गांधी का नाम ना सुना हो. ये नेक्स्ट इम्पॉसिबल है, इसलिए हम यहाँ भी मस्ट का प्रयोग हमने किया है और बताने की कोशिश की है कि जब आप आज की दुनिया में कहीं भी हो तो महात्मा गांधी का नाम न सुने हो ये संभव नहीं है, इसलिए हमने यहाँ भी मस्ट का प्रयोग किया है. तो इस तरह से हमने देखा कि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को भी व्यक्त करता है हमारा मस्ट. तो फाइनली हम अब चूंकि कंक्लूड करने जा रहे हैं मस्ट को, तो हमने ये जो यहाँ पर जो बोर्ड के मध्य में जो हमने लिखा है यहाँ कि ये छह तरह के कॉन्टेक्स्ट को एक्सप्रेस करता है मस्ट, तो ये एग्जाम्पल के द्वारा हमने सब्सटेंशिएट कर दिया. Key to express sympathetic, emphatic advice, इसका काम है, must करता है इसको. फिर necessity या compulsion in the present को express करता है. फिर necessity, compulsion in the future को express करता है. Permanent ruling को express करता है. Sense of duty को express करता है. और lastly, strong possibility को भी हमारा must express करता है. तो इन्हीं तमाम जानकारियों को जेहन में, मस्तिष्क में रखते हुए हम इसको कंक्लूड कर रहे हैं. और इस तरह से आप अगर फिर वही फॉर्मूला, प्राइमरी फोकस कंटेक्स्ट पर, सेकेंडरी फोकस रेलिवेंट एग्जाम्पल पर आप रखिए,